श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और इस दिन का उपवास भी रखती हैं। फिर भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके करवा चौथ की कथा सुनकर रात्रि को चंद्रमा को जल अर्पित कर चंद्रमा का पूजन कर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके सात बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। वह एक साथ ही बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। तो उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा या तो तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली कि चलो भाभी चांद निकल आया है। तो उसकी भाभियों ने कहा कि या तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, जैसे ही उसने दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, और जब उसने तीसरा टुकड़ा खाने के लिए तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बहुत बीमार है। माँ ने लड़की के पहनने के लिए तीन बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल को गई और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का देकर पल्ले को गांठ बांध लियो। अब उसने रास्ते में जो भी कोई मिला सबके पैर पड़े, पर किसी ने भी उसे सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर सबसे छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो सुपुती हो, सात बेटों की माँ हूँ। अब उसने सोने का सिक्का नंद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद जब वह अंदर आई तो आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही, एक साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ कुछ बची कुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने एक साल तक अपने पति की सेवा की। साल भर बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगवाई, चूड़ियाँ पहनी, वह सब कुछ देखती रही। एक पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली कि मैं कैसे करूं? तो वह बोली कि चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, एक करवे वाली तू मुझे भी करवा दे दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी वो तुझे करवा देगी। इस तरह पांच बहनें आई और चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह बोली कि मेरी सातवीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी, बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रखना, जब वो खूब चिल्लाते हुए आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे, और तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और फिर उसके पैर से कांटा निकाल देना तो वह तुझे आशीर्वाद जरूर देगी। भाई जियो साई जियो, जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी, फिर तू अजमन करना, तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, और जब करवे वाली आई तो उसके पैरों में कांटे चुभ गए। उसके बाद करवे वाली के पैर पकड़ लिए और उसने कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देती जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी शुरू की और व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया तो उसने चौथ माता की कथा सुनी और अच्छे से चौथ माता का उजमन किया। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में तो खूब रौनक है, बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आई। दोनों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया है। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया
तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर अजमन करेंगी। ये चौथ माता जैसे राजा की लड़की को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। इस प्रकार जो कोई भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करते हैं, उन पर भगवान श्री गणेश जी कृपा सदैव बनी रहती है और उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है।